आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ, खेसारी भाई आपको 6 अवार्ड्स मिले हैं रिसेंटली और आपका एक डांस स्टेप है जो कि गोविंदा के साथ काफी वायरल हुआ, और क्या क्या बातें हुई कुछ बताना चाहते हैं आप? एक बात बताऊँ, एक तारीख के बाद मुझे लगा कि फैन का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग भी कभी कभी होता है ना कि आदमी किस पोजीशन में रहता है, इरिटेट हो जाता है फोटो वोटो खिंचाने के लिए, या कोई मिलना चाहता है तो थोड़ा सा बोलता है बाबू रुक जाओ थोड़ा सा। लेकिन मैं रियल में गोविंदा जी का बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे दिल में उनके लिए क्या सम्मान है शायद मुझे खुद ही पता नहीं। मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहता था इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो गुलाब के फूल की तरह हैं और मैं उनको छूना ही नहीं चाहता था, छूता तो शायद वो बिखर जाते। इसी आशा में मैंने बोला कि नहीं कभी मिलूँगा नहीं। एक मेरे लिए जैसे तस्वीर होती है ना मन में, और उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिलना और मेरे साथ परफॉर्म करना, मैं तो सारा जितना भी स्टेप करना था मैं भूल चुका था। उनको देखते ही मेरे सारे दिमाग के स्टेप चले गए, जब मैं क्या रिहर्सल किया हूँ, मैं अपना ही कुछ कर रहा था। तो वो मेरे लिए मोमेंट मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी, गोविंदा जी के साथ मेरा खड़ा होना और गोविंदा जी को मुझे गले लगाना और गोविंदा जी के हाथ से मुझे अवार्ड मिलना। और इतने सारे लीजेंड हमारे भोजपुरी के, हमारे 3-3 सांसद, 3-3 एक्टर, बहुत सारे एक्टर वहाँ पे, बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे प्रोड्यूसर, और उनके सामने गोविंदा जी के हाथों से मुझे सम्मानित करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और मुझे लगता है कि ये अवसर मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था जो मुझे 1 तारीख को कलकत्ता में मिला। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें चौथा भविष्य का भी एक सांसद खड़ा था। मैंने ये काम करा है हिमालय बनी, हमें दुनिया ने चुन के भेजा है कि बाबू आप जाओ और एंटरटेन करो, फरिश्ते जैसे मूवी लाओ, संघर्ष जैसे मूवी लाओ। अगर ही बताइए कि हम हूँ चल जाएंगे तो बाकी क्या होगा, तो कुछ करे वाला तो अच्छा ही ना। हम लोग की ऊपर एक जिम्मेदारियाँ हैं भोजपुरी भाषा की, तो मेरी एक कोशिश यही है कि जब तक इस भाषा को लेकर चल रहा हूँ, अभी भाई हमारे सब रेडी हो रहे हैं, पीछे सब आ रहे हैं जा रहे हैं आएंगे, ये भी कोई ऐसा ही 2-3-5 आएंगे, उसके बाद हमें भी लगेगा कि नहीं भाई हमारा टाइम एक सीमित तक हो गया है, तो कोशिश रहेगी। नहीं तो मेरा तो विचारधारा ये है कि बच्चन साहब की तरह अपने जीवन को चलाऊं, बुढ़ापे तक एक्टिंग ही करूं और लोगों के प्यार का ही 2 पैसे आए और लोगों का स्नेह लेकर अपने जीवन को चलाते हैं। सर भी एक आखिरी सवाल, एक सोशल आपका हर वो सवाल आखिरी का होता है। बिहार का एक सिंगर बड़ा वायरल हो रहा है, अमित नाम है उसका, अमरजीत नाम है, अमरजीत जयकर। सोनू सूद साहब ने उसकी वीडियो शेयर की, कहा कि मैं अपने गाने अपने फिल्म में गाने का मौका दूंगा, खेसारी भाई भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल है, अगर वो देखिए अब उनको तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सोनू सूद जैसे, और हिंदी में गाने का मौका मिला है, तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि वो भोजपुरी में आकर करे कुछ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है उनके लिए, वो प्लेटफॉर्म बड़ा है और हमारे लिए गर्व की बात है। अगर वो करना चाहते हैं, अगर उनको लगे कि नहीं अपने भाषा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं। और मेरी तरफ से उनके लिए शुभकामना है कि जयकर जी आप अपने भाषा के साथ और अपने मिट्टी के साथ अपने भाषा को और अपने आप को और हम सबको इतना बड़ा कर दीजिए कि हम भी बोले कि हमारे बिहार के हैं ये, और इन्होंने इतना बेहतर काम किया। मैं हर दिन डरता हूँ, मैं हर दिन इसलिए डरता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि ये मेरा करियर कब तक मेरे साथ है, ये लोग मेरे साथ कब तक हैं, ये ज़िंदगी कब तक है, इसीलिए डर के जीता हूँ, इसलिए तो बेहतर कर पाता हूँ। ज़िंदगी में अगर डर नहीं होगी तो शायद आप जीत नहीं पाओगे, तो वो डर हर रिश्तों से भी आपको डर लगना चाहिए कि ये कब मुझे छोड़ के चला जाएगा, ताकि उस रिश्ते को संभाल के चलो। उस करियर से भी डर लगना चाहिए ताकि ये कब है कब नहीं, तो शायद आप बेहतर कर पाओगे। तो हर उस आदमी को डरना ज़रूर चाहिए, निडर आदमी हमेशा गलत कर जाता है, और जो डरता है वो कुछ करता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यार एक डर है पीछे, तो पीछे डर को रखेगा ना तो हमेशा आप आगे रहिएगा। अगर निडर होकर चलिएगा तो जीवन में बहुत जगह ठेस लगेगी आपको। रेडी सर, क्या कहें फरिश्ता कर रहा हूं? अच्छा मूवी है। अब इनसे पूछ रहे हैं आप? ये बेचारे साउथ से आके फंसे हुए हैं। ये लेकिन ये बहुत कूल आदमी है। रेड्डी साहब के अंदर एक चीज़ मैंने देखा कि सेट पे हमारे विजय भाई खर्चा पे खर्चा करते जा रहे हैं और बिल खाली इनको थमा रहे हैं, ये बेचारे लगे पड़े हैं कभी ये, अच्छा इनको नहीं तब क्या सूट हो रहा है, क्या चल रहा है, इनको कुछ नहीं, खाली पैसे ट्रांसफ़र में थे कि हाँ कहाँ है। और विजय हमारे बहुत हेल्पफुली आदमी है बेचारे, और हम पूरे टीम को संभालने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये बेचारे तो पूरे दिन बस कॉपी किताब लेकर बैठे रहते थे जो कब किसका कितना ट्रांसफ़र करना है, तो बस इनका तो उसी में था। फिल्मा के बारे में पूछना है तो इनसे पूछिए,
हमारी श्रद्धा जी हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब कृष्णा जी हैं। आप क्या कहेंगे बस, हम लोगों ने एक अच्छे प्रयास किए हैं, तो हमारे जितने भी भोजपुरी श्रोता हैं, बस जितने भी हमारे टीम में हमारे सुपर स्टार के साई लाल यादव जी, मेगाश्री जी, पूजा गांगुली, सरदार नवल जी, अमित जी, रिंकू भारती, खुशबू यादव, जितने भी कलाकार, जितने हमारे टेक्नीशियन, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर कृष्णा बेदर्दी जी, हमारे राइटर अरविंद बाबा, जितने भी प्रिंस जी, जितने भी हमारे टेक्नीशियन थे, जितने भी हमारे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सिनेमा एक डायरेक्टर की नहीं होती, सिनेमा पूरी टीम की होती है, तो सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया, तो मैं फरिश्ता के तरफ से, फरिश्ता टीम के तरफ से अपने सभी टेक्नीशियन, सभी हमारे यूनिट को धन्यवाद देता हूँ। गाना कहाँ बैठ के लिखल जल हो, रूमे में बैठ के लिखल जल, ओकरा खातिर का हमनी के अंतरिक्ष पर गई रही सब सुन रहा भाई का आनंद बाबा जैसे सब शब्द लिखते आते थे वैसे ही लिखे। कलम से लिखे थे, कॉपी कॉपी के पास कॉपी पे। हाँ सर, से एक सवाल है मेरा, अक्सर भोजपुरी में ऐसा होता है कि फिल्म का टाइटल कुछ और अंदर कहानी कुछ और, तो क्या फरिश्ते में भी ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा या जो टाइटल है उसी के बेसिस पे फिल्म की कहानी? भाई जवाब दे देंगे। अभी आप, मैं पागल तो नहीं हूँ। आपने किरदार से वही किया है। यस, वो एक किरदार है। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो एक आप खेसारी को देख रहे हैं, उसमें भी एक खेसारी है लेकिन उसमें एक करेक्टर है, तो हमारा तो जो कहानी होती है उसी के हिसाब से नाम रखता है, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं मुझे बाकी लोग क्या करते हैं, लेकिन हम कोशिश हमेशा करते हैं। आज जैसे बोल रहा था, बोल का अवार्ड मुझे जितना भी मिला, बोल रहा था बोल का मिला, तो उसमें एक करेक्टर था और हमारी हीरोइन का ही राधा नाम था, तो वहाँ तो मौका ही नहीं मिला कि मैं धन्यवाद प्रोड्यूसर को दूँ या सिनेमा को दूँ। तो मैं आप सबके माध्यम से बोलता हूँ कि उस सिनेमा के हमारे प्रोड्यूसर जो थे विजय यादव जी थे, और उन्होंने बहुत एक बेहतरीन सिनेमा बनाया था, और उसी में सिनेमा के अवार्ड मुझे मिले, और तो कहीं ना कहीं हम कोशिश ये करते हैं कि हम करेक्टर के हिसाब से या कुछ कहानी उसकी हो, और उसमें हमारी हीरोइन बकरी है, उसमें हीरोइन हमारी बकरी है, अब हम सोच रहे बोल राधा बोल क्या बोलेगी, मैं आ रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसा आता है कि हमारी राधा बोलती है, तो कोशिश हमारी यही रहती है। करेक्टर अलग है और वो सिनेमा है, और सिनेमा में अभी अभी में फ़र्क है। तो सर, वो बोल रहा था बोल के बाद मैंने एक लाइव भी किया था मेगा सीएन विजय सर के साथ में, तो खबर ये थी कि भाई शूटिंग के 9 महीने बाद बकरी प्रेग्नेंट भी हो गई। और विजय सर ने ही मुझे उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये सब सवाल बाप रे, अब बताइए कद 9 महीने बाद प्रेग्नेंट, तो हमार में का गलती बा भाई, वो तो बकरा को ढूंढना पड़ेगा। अरे बकरा हम ही थे भाई, उसमें बकरा हम ही थे, लेकिन बकरा हम थे लेकिन हम इंसानी रूप में बकरा थे, ऐसा नहीं था। छोड़िए, तो जब चीजें होती है तो होता है, वो सब विषय नहीं है, हम लोग अभी किसी दूसरे विषय पे बैठे हैं, हम इसकी चर्चा, हम लोग फरिश्ता पे चर्चा कर रहे हैं। लाल का अभी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े हादसे से गुजरे, जिंदगी में वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी में हादसे हर आदमी के जीवन में होते हैं, ये मजबूत आदमी है और इनको आप सबका प्यार और स्नेह मिलता है और पूरे भोजपुरी समाज का प्यार और आशीर्वाद, इनके जीवन की सबसे बड़ी कड़ी जो आज इनको छोड़ के चली गई, और मैं इनका स्नेह जब भी कलकत्ता जाता था तो ऐसा कोई पल नहीं होता था कि मैं कलकत्ता जाऊं और इनके घर पे ना जाऊं, ये इस बार पहली बार हुआ है कि मैं इनके घर पे नहीं जा पाया, क्योंकि मैं उस घर में जाते ही एक माँ को देखता था, एक भाभी, क्योंकि मैं जब भी जाता था तो मेरे लिए लगता था कि वो घर सज गया है कि बाबू आ रहे हैं, और इस बार मैं मेरे अंदर एक डर था कि मैं उस घर में जाऊंगा कैसे, इस बार नहीं जा पाया, तो अफसोस तो हम सबको है, क्योंकि हम तो इनसे, डायरेक्टर तो मेरे लिए बाद में है, पहले तो मेरे बड़े भाई हैं जो कि हमेशा हम एक दूसरे के प्यार स्नेह चाहे दुख सुख हो जो भी हो एक दूसरे से बांटते भी हैं, एक दूसरे के साथ रहते भी हैं, तो कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि रिश्तों को बचाए रखा जाए, और उनका याद तो हमें भी बहुत आता है, बट कोई नहीं, इस फरिश्ते मूवी ने हर उस चीज़ को धो दिया है, और मुझे लगता है कि लोगों का स्नेह अगर मिला तो उस दुख से भी ये बहुत जल्दी उभर जाएंगे और उस दुख को बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ये
फरिश्ता की रिलीज के लिए कह दीजिए कि भैया ऑडियंस सबसे ज्यादा तैयारी तो भैया की है हमारा। हां भैया सिटी में बोल दो। प्रदीप भैया ने सबसे ज्यादा तैयारी की है कि जितने भी होर्डिंग हमारे लग रहे हैं 40 होर्डिंग और बिहार के जितने भी बड़े बड़े जगहों पर जो होर्डिंग लग रहे हैं वो प्रदीप भैया की वजह से लग रहे हैं और इनका बहुत स्नेह मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है और ये तत्पर आदमी है और फरिश्ता को बड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आगे पब्लिक और जनता का है कि देखिए जीवन में और किसी भी लैंग्वेज में बहुत कम ऐसी मोमेंट आती है जो हमें अच्छी फिल्में मिलती है, अच्छा करेक्टर मिलता है। तो मैं भोजपुरी समाज से यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया सिनेमा हम लोगों ने कोशिश की है। अगर आप सब ने भर भर के हॉल में आकर प्यार दिया तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेगी और हर वो आर्टिस्ट, हर वो कलाकार, हर वो डायरेक्टर, हर वो प्रोड्यूसर ऐसी मूवी बनाने की कोशिश करेगा। और जब ऐसी कोशिश होगी तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी अदर भाषा को भी टच कर पाएंगे। और आप सबका प्यार बहुत ज़रूरी है तो मुझे लगता है कि मैं मानता हूँ हॉलों का प्रॉब्लम है, बट आप थोड़ा सा कोशिश करिए, एक बार कष्ट करने की ज़रूरत है। अगर भर भर के प्यार दिए तो हम सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार हैं कि सरकार से कहेंगे कि आप भी बिहार में मल्टीप्लेक्स और हॉलों का सुविधा और यूपी में जो भी है चाहे झारखंड जहाँ भी होगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे भोजपुरी समाज में 3-3 सांसद हैं और ये तीनों हम सबके गार्जियन हैं तो कहीं ना कहीं हम उनसे भी रिक्वेस्ट है और हम कई बार कर चुके हैं, फिर से करेंगे और हमारे आप इनसे सवाल करिए, ये बहुत कुछ बताएंगे आपको। श्रद्धा जी क्या बताना चाहती हैं, क्या अनुभव था शूट का फरिश्ता को लेकर? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे ये दिल पे लगी थी स्क्रिप्ट, मुझे लगा वो पागल बेटा जो मेरे सामने है मैं कैसे मतलब उसको कितना प्यार दे पाऊंगी जो ऑडियंस को अच्छा लगेगा। खैर इसमें बहुत इमोशंस भी था, एक माँ के सामने एक बेटे को उसका बाप बुरी तरह मार रहा है और माँ कुछ नहीं कर पाती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब उस वक्त खेसारी जी का सपोर्ट था, अमित जी का सपोर्ट था जो हमने चीज़ें को अच्छे से किया, लाल बाबू जी थे जो कॉन्सेप्ट को उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाए, अरविंद जी थे जो उन्होंने लिखा वो मेरे दिमाग तक पहुंचा और लाल बाबू जी पहुँचाए और खेसारी जी के सपोर्ट से मैं कर पाई। ठीक है शुक्रिया, हम लोगों का हो गया। और किसी का सवाल ने छेड़ा है, बिहार जल रहा है वापस, क्या जंगल राज वापसी हो गई है क्या बिहार में? हम अभी बिहार नहीं गए, हमको पता नहीं। अभी गांव में 2 दिन पहले गांव में से नहीं। हाँ तो हम रात में गए नहीं, रात में चले नहीं। ई कुली कहे के तू लोग बे मतलब के सिनेमा में राजनीति का घुसा दे लो, वो राजनीति मंच है और राजनीति मंच अलग होता है, ये विषय हमारा अलग है। हम लोग इंटरटेन के लिए जाने जाते हैं तो हमसे इंटरटेन के बारे में जो भी पूछिएगा हम उसी गली को जानते हैं। अब ये मतलब कि आप हम इस गली में हैं आप हमको उसी बरा के गली में घुसा देंगे, हम मीरा रोड रहने वाले लोग हैं तो हम वहाँ की गलियों को बेहतर जानते हैं। तो हर आदमी का एक जगह होता है, हर आदमी का एक क्षेत्र होता है। अब क्रिकेट के बारे में हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे जी, हम तो इंटरटेन के बारे में बताएंगे ना, सिनेमा के बारे में, गाने के बारे में, लिरिक्स के बारे में, कहानी के बारे में, धुन के बारे में, कंपोज के बारे में। तो हमारा विषय अलग है, वो एक क्षेत्र अलग है, तो उस सवाल को उधर रखिए। जब मनोज भी आएंगे, दिनेश भी आएंगे, रवि भी आएंगे तो आप इसको डालिएगा जब बिहार जल रहा है कि यूपी जल रहा है। नी होली में सपना बलम भइल बाए होली में, ये गाना मेरे ट्रेंडिंग में चल रहा है, कृष्णा जी ने ही लिखा है और बहुत ज़्यादा रील भी बनी है इस पर और बहुत सारे मेरे 6-6 गाने ट्रेंडिंग में है और इसका ट्रेलर मुझे लगता है कि 6 साल बाद कोई सिनेमा का ट्रेलर, अब पता नहीं मुझे बट मेरे नॉलेज में जितना है मुझे पता है, हो सकता है आया होगा बट मुझे नहीं लगता कि इस साइड मेरा ही कोई फिल्म ऐसा नहीं कि जो ट्रेंडिंग में आया हो, लेकिन पहला है जो फरिश्ता लोगों ने ट्रेंडिंग तक लेकर गया और आज भी मूवी में 2 नंबर पे है, 1 नंबर तक गया था, 1 नंबर तक गया था मूवी में। तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि अब हमारे भोजपुरी सिनेमा बहुत आगे जा रही है और इसमें पब्लिक का बहुत प्यार भी मिल रहा है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 9 तारीख को रिलीज हो रही है बिहार झारखंड और ऑल ओवर इंडिया हो रही है, तो जहाँ जहाँ चाहे वो गुजरात के भाई हों या हमारे मुंबई शहर में रहने वाले हमारे यूपी बिहार के जो हमारे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, जो जनता है हमारी, जो झारखंड में हमें प्यार करते हैं, जो यूपी में प्यार करते हैं, जो बिहार में, जो पंजाब में, जो दिल्ली में, तो ये जहाँ जहाँ मूवी लग रही है प्यार, प्लीज़ आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद इतना भर भर के दीजिए ताकि हम इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। हो गया।